बोलो जेने, बोलो क्या बोल रहे, बोलो। मेरे को छोटा सा डाउट था। अच्छा, कल आपको मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक प्रॉपर आपको मैंने बताया था प्लसार क्या होता है, किस तरीके का ग्रुप जुड़ने से प्लसार होता है, किस तरीके का ग्रुप माइनस आर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये माइनस आर इफेक्ट दिखाने वाला है, और कैसे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, कैसे लो डेंसिटी हाई डेंसिटी रीजन बनते हैं, ये सारे हमने कल देखा था। छोटा सा एक रिकॉल करते हैं, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। सबसे पहला पॉइंट, प्लस आर इफेक्ट में कंप्यूटर सिस्टम के साथ उसके पास आइदर तो लोन पेयर होगा या फिर वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। सो द ग्रुप कनेक्टेड, द ग्रुप कनेक्टेड टू द कंजुगेटेड सिस्टम, और कंजुगेटेड सिस्टम आपको मैंने बताया था क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड रहेगा पूरा, या फिर लोन पेयर भी कंजुगेशन में रह सकता है या फिर चार्जेस भी कंजुगेशन में रह सकते हैं। सो द ग्रुप कनेक्टेड टू द कंजुगेटेड सिस्टम मस्ट कंटेन आइदर आइदर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये मेरा कंडीशन है। यहां पे क्या है पहला कंडीशन, द ग्रुप कनेक्टेड कनेक्टेड टू द कंजुगेटेड सिस्टम मस्ट कंटेन आइदर मल्टीपल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटसेट्रा और पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ये कंडीशन है। यहां पे द ग्रुप कनेक्टेड टू द कंजुगेटेड सिस्टम मस्ट कंटेन आइदर लोन पेयर कंटेन करेगा या फिर नेगेटिव चार्ज, यहां पे आइदर मल्टीपल बॉन्ड कंटेन करेगा माइनस आर इफेक्ट में या फिर पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट आपने क्या देखा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट या डिलोकलाइजेशन होता है वो अवे फ्रॉम द सिस्टम होता है टुवर्ड्स द ग्रुप। डिलोकलाइजेशन आइटम डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द सिस्टम, towards the system, I'm very very sorry, towards the system, towards the conjugated system away from the group। Just a minute, what's it? ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस टूवर्ड्स द कंजुगेटेड सिस्टम अवे फ्रॉम द ग्रुप। यहाँ पे जो कंजुगेटेड सिस्टम के साथ जो ग्रुप जुड़ा है वो ग्रुप क्या है, वो दैट मींस द ग्रुप व्हिच इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हियर, ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ओके, और ये सिस्टम से सिस्टम की तरफ आ रहा है टूवर्ड्स द कंजुगेटेड सिस्टम। यहाँ पे क्या करना था आपने, रिवाइज करते नहीं करते हो घर में, जब क्लास खत्म हो जाती है तो एक बार रात को आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। हम करते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर आप करते हो रिवाइज रात को, एटलीस्ट 15-20 मिनट लगेंगे, जिस दिन की क्लास होती है उस दिन एक बार रिवाइज करके सो जाओ, माइंड में पूरा स्टोर हो जाता है। ओके, सेकंड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स
टेक्स प्लेस कैसे होता है ये? अवे फ्रॉम द सिस्टम. हम जब रिवाइज करते थे ऐसा लगता है कुछ आता ही नहीं है. क्या है, आता क्या है, है, क्या हुआ हम दीपाली? रात को रिवाइज करते हैं ना, मतलब मैं हाँ तो हाँ ऐसे लगता है कि कुछ नहीं आता है, बट पढ़ लेते तो समझ आ जाता है. स्टार्टिंग हाँ में ऐसे वही लगता है. वही है. दिस इज द थिंग. तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि रिविजन क्यों जरूरी है. हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है. अभी तक आपने आईपैक नेम वगैरह देखा, वो ठीक है, चलता है. यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि आप एक फॉर्मूला आपको मैं दे दूँ, एक फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा होता है, और उस फॉर्मूले को यूज करके आप 10 न्यूमेरिकल कर दोगे. ऐसा नहीं है ये चैप्टर. इस चैप्टर में आपको भर भर के कंसेप्ट मिलेंगे खाली. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी वाला जो चैप्टर है, आपको जब आप क्लास लेते हो, आपको यहाँ पे ऐसा भी लगता होगा कि आप यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाती हूँ आप सुन लेते हो, देख लेते हो. जब आप क्लास खत्म हो जाती है तो आपको ऐसा भी लगता होगा कि यार इस चैप्टर में एक्चुअली काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्या पढ़ाया मैम ने, कैसा है. तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप एक बार रात को रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ा है, आइदर तो आप नोट अपना पढ़ लो या फिर रिकॉर्डिंग एक बार देख लो. 100% डन हो जाएगा. दो बार जब किसी चीज को पढ़ लिया जाता है ना, वो डन हो जाता है. चिराग भी आ गया है. डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द कंजुगेटेड सिस्टम टुवर्ड्स द ग्रुप. थर्ड पॉइंट बताओ. यहाँ पे जो ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन क्रिएट करता है मॉलिक्यूल के अंदर. द ग्रुप क्रिएट्स हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन इन द मॉलिक्यूल. ये ग्रुप हाई डेंसिटी रीजन बनाता है. यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? द ग्रुप क्रिएट्स लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन. द ग्रुप क्रिएट्स लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन इन द मॉलिक्यूल. क्लियर है? फोर्थ पॉइंट. अच्छा, बिकॉज ये हाई डेंसिटी रीजन क्रिएट करता है, This is known as activating group. It is known as ये activating group है, ये activate करता है, it activates the system. यहाँ पे क्या होता है? It deactivates the system. ठीक है. एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन, प्लसर इफेक्ट जो ग्रुप दिखाता है उसे हम एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, और इट इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग. ऑर्थो एंड ऑर्थो को हम लिखते हैं ओ से डिनोट करते हैं, ओ एंड पारा को पी से डिनोट करते हैं. इट इज ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग. अच्छा, मैंने आपको कहा था ना, आपको मैंने ऑर्थो पारा अभी तक बताया नहीं है, तो अभी ये भी एक्सप्लेन करूंगी आप. ठीक है. एंड फोर्थ पॉइंट, इट इज मेटा को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग. क्लियर है? एंड फिफ्थ में हम लेते हैं एग्जाम्पल, जितने सारे हैं प्लस आर के आपको बता देती हूँ. मुझे एग्जाम्पल बताओ बच्चे, प्लस आर के एग्जाम्पल मैंने आपको कल बताया था, मुझे एग्जाम्पल बताओ. कौन सा एग्जाम्पल प्रसार के अंदर आता है? एंड दिस, ये जो डिफरेंस आपको बताया है ना, इसे अपने पास रख लेना पूरा. क्लियर है? आपको इस तरीके से डिफरेंस नहीं मिलेगा कहीं पे भी. आपको वर्ड्स के थ्रू प्रॉपर थ्योरी टाइप का मिलेगा, बट इस तरीके से नहीं मिलेगा. तो इसे अपने पास रखना. और फिफ्थ पॉइंट में मुझे एग्जाम्पल बताओ प्रसार इफेक्ट. व्हाट इज प्रसार इफेक्ट? अगर याद नहीं है तो नोट्स निकालो. यस आयुष बताओ, क्या है एग्जाम्पल प्रसार इफेक्ट? कल आपको प्रॉपर काफी सारे एग्जाम्पल मैंने दिए थे. दीपाली बोलो, मुझे बताओ क्या प्रसार इफेक्ट का एग्जाम्पल है.
प्लसर इफेक्ट का एग्जांपल दो, काफी एग्जांपल कल मैंने आपको बताए थे, प्राची बताओ, हेमसबरी बताओ मुझे, यस फेनॉल, बहुत अच्छा, आयुष बोल रहा है फेनॉल बोल रहा है, और कौन बताएगा मुझे एग्जांपल? और कौन बताएगा? इतने सारे आपको एग्जांपल मिला था कल, यस एग्जांपल बताओ, फेनॉल दे दिया है आयुष ने, और क्या है आस्था, वॉइस सुनाई नहीं दे रही है, NH2-, NH2- नहीं, C6H5NH2, एनिलीन, C6, तुम वो बता रही हो मुझे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देख लिया क्या तुमने? हाँ, मैं तो पूछ रही हूँ प्लसर इफेक्ट का, आस्था प्लसर इफेक्ट का एग्जांपल पूछ रही, ठीक है ना? हाँ 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 ठीक है, अच्छा तुमने वो देख लिया है, न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट देख लिया है इसमें, अच्छा और बताओ, और बताओ, और भी था प्लीज, और बताओ, फेनॉल है, एनिलीन है, और बताया था मैंने, दीपाली तुम एक बताओ, और याद नहीं आ रहा किसी को, कल लिखा नहीं था क्या? कल जब मैंने आपको यहाँ पे सारे लिखवाए थे आपने लिखा नहीं था? एक काम करना, तो आगे से मैं तो ये भी बोलूंगी कि आप यहाँ पे जो मैं लिखवाती हूँ ना, आप यहाँ पे लिखते हो उसका एक रफ कॉपी मेरे पास सेंड कर दे, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा बच्चे, अगर मैं खाली पढ़ाती जाऊंगी और अगर आप उसे लिखोगे नहीं किसी कॉपी में, किसी नोटबुक में, और खाली नोट्स के भरोसे रहोगे कि मैम नोट्स भेजेंगे तो पढ़ेंगे, दैट इज नॉट द पॉइंट, यू हैव टू राइट इट हियर इटसेल्फ, क्लास में लिखो प्रॉपर। अर्पित अभी होता, आज अर्पित आया नहीं है, अर्पित अगर होता ना, उसको जितना भी नॉलेज है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अर्पित इज वेरी इंटेलिजेंट, बट जो भी होता है वो हर एक चीज को लिखता है कॉपी, तभी उसको पूछने से ना इमिडिएटली आंसर देता है, उसके पास नोट्स पड़े होते हैं बता देता है। विंशु प्रेजेंट है? विंशु मुझे थर्ड एग्जाम्पल दो, क्या है थर्ड एग्जाम्पल? प्राची, अच्छा आस्था नेटवर्क इशू दिखा रहा है क्या? नहीं नहीं ठीक है, ठीक है ना, हाँ क्या है थर्ड, क्या है? क्लोरोबेंजीन, थोड़ा सा एटलीस्ट बात तो अगर थोड़ा सा रिवाइज करते ना तो आपको बार बार ये बाद में एग्जाम के टाइम में दिक्कत नहीं होती थी। फेनॉल, एनिलीन, क्लोरोबेंजीन आपको मैंने बताया था कल, और भी कई सारे ग्रुप्स इसके अंदर आएंगे, क्या कहा था क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, यहाँ पे NH2 के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास तीन तीन लोन पेयर है, तो ये सारे दिखाएंगे प्लसर इफेक्ट। अगर आप स्टेट चेन में लेते हो तो स्टेट चेन में भी कंजुगेटेड सिस्टम जो होते हैं वो इस तरीके से आप ले सकते हो, ऐसे आप ले लेना और साथ में फेनॉल जोड़ देना, सॉरी अल्कोहल जोड़ देना, या फिर NH2 जोड़ देना, या फिर क्लोरीन जोड़ देना, स्टेट चेन में भी अगर कंजुगेशन दिखता है तो वो भी प्लसर इफेक्ट दिखाएगा, दैट्स फोर टू माइनस आर इफेक्ट। Let's go to minus alpha. मुझे minus alpha का example बताओ। Confucius example दिया था मैंने minus alpha effect का। आयुष बताओ तो। Yes, minus R effect का example बताओ। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इज द एग्जांपल फॉर माइनस आर इफेक्ट, और बताओ, कल काफी सारे दिए थे आपको मैंने, और बताओ, और बताओ मैम, एल्डिहाइड, ये बेंजाल्डिहाइड, और
बताओ. नाइट्रोबेंजीन. और क्या है, और क्या है? बेंजीन नाइट्राइड. और क्या है? और स्ट्रेट चेन में भी जोड़ सकते हो आप इसको. ये खाली बेंजीन रिंग नहीं है, आप इसे कंजुगेशन पे अगर है तो स्ट्रेट चेन में भी जुड़ सकते हो इन सब चीजों को. यहाँ पे आप एल्डिहाइड डालो, एसिड डालो, नाइट्रो डालो, ये सारे विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये विथड्रॉ करेंगे सिस्टम से, इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे. दिस इज माइनस आवर इफेक्ट. अच्छा, कल मैंने आपको इन दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताया था स्ट्रेट चेन में कैसे बनता है. आज मैं आपको लेके चलती हूँ प्रॉपर, हम प्लस आवर इफेक्ट के दो एग्जाम्पल अभी बताऊंगी आपको, तीसरा आप खुद घर में भी ट्राई कर सकते हो. इसके भी आपको मैं एक भी अगर बता दूंगी ना तो आप बाकी सारा खुद घर में उसी तरीके से स्ट्रक्चर का उसी तरीके से आपको जाना है पूरा. ठीक है, तो एक मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ और बाकी जो है फिर आप घर में ट्राई कर लेना. तो मैं इसको रब कर रही हूँ अभी. देखो लिखो लिखो क्लास में आपको बता दूंगा, मेरी ऑनलाइन क्लास अभी चल रही है. जब ऑफलाइन क्लास चलती है बच्चे हर एक चीज को, और मैं आपको उनको ये भी बोलती हूँ कि अगर मैं अपने बोर्ड में पॉइंट भी डालती हूँ ना तो उसे भी नोट डाउन करो. इतना तक आपको बोला जाता है क्लास में. अगर आपको लिखते लिखते समझने में दिक्कत हो रही तो पहले समझ जाओ, पहले समझ जाओ और फिर मुझे बोलो, मैं दो मिनट रुक जाऊंगी फिर उसे लिखना. हमेशा ऑनलाइन टेस्ट नहीं चलेगा, अगले साल आपको पूरा ऑफलाइन सब कुछ देना है बच्चे. तो प्लस आर इफेक्ट में आपको एग्जांपल मैंने दिया था, अभी एग्जांपल यहाँ पे डन करवाऊंगी. एटलीस्ट इसे आप पहले समझ ले, पहले से ड्रॉ मत करना. ठीक है, पहले समझना, प्रॉपर ध्यान से देखना, जूम हो सकता है तो जूम करके देखना, अच्छे से देखना उसे प्रॉपर पूरा, और उसे मैं टाइम दूंगी ड्रॉ करना पूरा यहाँ से. तो मैंने आपको क्या बताया, C6H5OH है, C6H5 इसमें आ जाएगा आपका NH2 आ जाएगा. यस, C6H5Cl है. और भी काफी सारे ग्रुप हैं, जैसे कि और भी मेरे पास और भी ग्रुप पड़े हैं, लाइक OH ले लेते हैं. चलो OH ले लेते हैं. तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि प्लस आर इफेक्ट खाली बेंजीन रिंग में मुझे दिखे. बेंजीन रिंग के अलावा अगर स्टेट चेन में भी कंजुगेशन चल रहा है तो मुझे दिखेगा. कल मैंने आपको ये वाला बता दिया था ना, एक मैं बता देती हूँ फिर रख करके बताऊंगी. रेजोनेंस स्ट्रक्चर कभी भी वन डे नहीं है स्टडी. हाँ बच्चे अगर रटेंगे तो वन डे हो सकता है, समझने के लिए टाइम लगता है इसमें. ठीक है, अच्छा ये आपको बता रही हूँ मैं, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. और दिस इज बेसिकली, अब हम स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस. इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर मुझे बनाना है. क्या कहा था मैंने आपको, रेजोनेंस स्टार्ट कहाँ से करी जाती है? अच्छा सबसे पहली बात, प्लस आर इफेक्ट कैसे पता चलेगा कि प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है? लोन पेयर कंटेन कर रहा है ऑक्सीजन प्रॉपर यहाँ पे. ठीक है, डन हो गया. अच्छा, और उसके बाद मुझे स्टार्ट करना है, रेजोनेंस बनाना है, और दूसरा ये चेक करना है कि कंजुगेशन है. यस, डबल सिंगल डबल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल लोन पेयर, ये सारे कंजुगेशन में है. रेजोनेंस अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो रेजोनेंस स्टार्ट कहाँ से करी जाती है, किस साइड से आप रेजोनेंस स्टार्ट करते हो? ये कल भी मैंने ये भी बताया था. यस मैम, लेफ्ट साइड. नहीं, लेफ्ट राइट नहीं बोलो मुझे. लेफ्ट राइट मैं इसको अगर इस तरह डाल दूंगी तो लेफ्ट साइड में नहीं. आपको बोल रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस. मैम कार्बन की साइड. नहीं, ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, जो ग्रुप कंजुगेशन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, वहां से रेजोनेंस स्टार्ट करनी है. कल आपको मैंने ये पढ़ाया भी था और बाद में क्वेश्चन भी पूछा था मैंने ये. नो रिविजन. ग्रुप के साइड से रेजोनेंस स्टार्ट होता है. क्लियर? ग्रुप के साइड.
साइड से रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं, प्लस आर इफेक्ट में स्टार्ट करने जा रही हूँ। लोन पेयर बीच में आएगा, जैसे ही लोन पेयर बीच में आएगा ये जो डबल बॉन्ड है ये आएगा यहाँ पे, जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा ये डबल बॉन्ड के पास और ऑप्शन नहीं है, वो सीधे कार्बन पे जाएगा। ये मेरा एरो हेड मैंने दे दिया है और आप भी देख रहे हो कि प्लस आर सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है सिस्टम के तरफ जा रहा है, एरो हेड देखो सिस्टम के तरफ है, जो एरो हेड है वो सिस्टम की तरफ है, ठीक है। अच्छा ये पहला मैंने बनाया, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मुझे मिला हुआ है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे बनाना है। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में डबल हेडेड एरो डाला जाता है, पहला लोन पेयर यहाँ पे आ गया, फिर ये डबल बॉन्ड। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल खत्म हो जाता, मान लो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे आगे इसके आगे कुछ होता ही नहीं, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन पे जाता। हाँ क्या हुआ बेटे? हाँ दीपाली मैम, वॉइस नहीं आ रही आपकी? वॉइस नहीं आ रही है मैम? आ रही है, सही है। हाँ 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 देख लो, देख लो दीपाली, दिक्कत हो रही है तो रिजॉइन कर जाना, ठीक है, रिजॉइन कर जाना अगर दिक्कत है, और एक बार आ जाना मैं एडमिट कर दूंगी। अच्छा ये यहाँ पे इसको नेबरिंग पे लेना है इस डबल बॉन्ड को, मान लो ये मॉलिक्यूल, आपको एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, मान लो ये मॉलिक्यूल ऐसे होता, इतना लंबा चेन नहीं होता और ऐसे ही मॉलिक्यूल होता, ठीक है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन पे है। जरूरी नहीं है कि हमेशा रेजोनेंस के लिए डबल बॉन्ड कंजुगेशन पे रहे, डबल सिंगल डबल रहे जरूरी नहीं है, डबल बॉन्ड और लोन पेयर भी कंजुगेशन में रह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर जाएगा यहाँ पे और ये जो डबल बॉन्ड है, और तो कोई बॉन्ड यहाँ पे है नहीं कि जाएगा, ये जाएगा कार्बन के ऊपर। अगर कोई ऑप्शन नहीं होता है तो बॉन्ड सीधा एटम पे शिफ्ट हो जाता है, और अगर यहाँ पे और एक बॉन्ड दे देती तो फिर वहां पे शिफ्ट हो सकता था। क्लियर है? इसके लिए ये बनेगा, इस तरीके से बनेंगे। और हम इसको कैसे लिखेंगे ये पार्ट में बताऊंगी, पहले ये देख लो कैसे इसको लिखेंगे हम। यहाँ पे चढ़ेगा कौन सा चार्ज? यस, यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ाऊंगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद? यस मैम, माइनस माइनस चढ़ेगा क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जा रहा है। माइनस को लोन पेयर दिखाते हुए मुझे माइनस भी लिखना पड़ता है, दोनों दिखाना पड़ता है, लोन पेयर भी दिखाना है। ये जो लोन पेयर है वो किसका है? इस डबल बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट होके गया है वो मुझे दिखाना है, साथ में माइनस भी दिखाना है। ये सिंगल रहेगा, साथ में यहाँ पे सी एच रहेगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड रहेगा? यहाँ पे ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पे और एक बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे डबल देना है, यहाँ पे डबल बन जाएगा क्योंकि लोन पेयर भी आ चुका है यहाँ पे। साथ में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को लिखना है और एक लोन पेयर दिखाना है यहाँ पे, क्योंकि एक लोन पेयर तो चला गया ना बॉन्ड बनाने, एक लोन पेयर के साथ बिकॉज इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है ये जाएगा प्लस में। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकेंड स्ट्रक्चर, कल मैंने आपको प्रॉपर बताया था। एंड आउट ऑफ द टू व्हिच वन इज मोर स्टेबल, ये भी कल पूछा था। हेम सबरी है कि नहीं एक बार देखना, हेम सबरी प्रेजेंट है कि नहीं देखना बच्चे? यस मैम ही इज प्रेजेंट। ही इज प्रेजेंट, हेम सबरी नो रिस्पॉन्स, हेम सबरी? हाँ रेस्पॉन्ड नहीं करते हो तो मैसेज डाल सकते हो ना, मैसेज डाल सकते हो, ठीक है ओके। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है? आपको दे देंगे तीन स्ट्रक्चर, देंगे क्वेश्चन ऐसे और बोलेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर है? यस सेकेंड रॉन्ग, कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर है? फर्स्ट वन इज द स्टेबल स्ट्रक्चर। ध्यान रहे अगर किसी भी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्जेस अपीयर करते हैं
दैट इज नॉट स्टेबल. और यहाँ पे बिना चार्ज का सिंपल कंपाउंड है ये, ठीक है. तो बिना चार्ज वाला, अगर चार्ज बिल्कुल भी नहीं है कंपाउंड में और सारे ऑक्टेट वगैरह पूरा कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है. तो दिस इज मोस्ट स्टेबल, दिस इज लिस्ट स्टेबल. चार्जेस के साथ कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है. ये आपको छोटा सा एग्जांपल दिया. अब मैंने क्या करा है, यहाँ पे इसको पूरा एक्सटेंड कर दिया है. हो सकता है आपको और एक्सटेंड फॉर्म में मिले और यहाँ पे और एक सिंगल और डबल फिर बढ़ा के दे देंगे. बात वही है जो इसके लिए बना है. मैम बोलो. हाँ रिजॉइन तो करना है आपको. कौन पूछ रहा है रिजॉइन करना है? क्या बोल रही है प्राची? समझ में नहीं आ रहा है मुझे. स्ट्रक्चर करके कुछ बोल रही है. क्या ये स्ट्रक्चर फिर से समझा दो. ये स्ट्रक्चर ये तो मैं कल भी करा चुकी हूँ आपको क्लास में. एक स्ट्रक्चर, अच्छा चलो ये आपको समझा दिया है. ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाती हूँ आपको अभी. इसमें चलते हैं. इसमें क्या कहा मैंने, हमेशा